हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके डी फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम में चाहे वो आपका उत्तराखंड का हो या फिर अदर स्टेट का हो जी हाँ दोस्तों मैं यहाँ पे आपको कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाली हूँ तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेलाइकिन को प्रेस कर लेना क्योंकि वो आपको डेली कॉन्टेंट मिलने वाला है आपके उत्तराखंड डी फार्मेसी एग्ज़ाम से, से रिलेटेड और ये क्वेश्चन आपके अदर स्टेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वट डज़ आई यू सी एन स्टैंड फॉर तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज सेकेंड है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर थर्ड है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड फोर्थ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड सो फार फर्स्ट ऑप्शन है वन पॉइंट फाइव मिलियन सेकेंड है फोर पॉइंट फाइव मिलियन थर्ड है वन पॉइंट फाइव बिलियन एंड फोर्थ है फोर पॉइंट फाइव बिलियन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वन पॉइंट फाइव बिलियन नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द टोटल स्पीसीज एस्टिमेटेड हाउ मेनी स्पीसीज आर ऑफ एनिमल्स फर्स्ट है टू परसेंट सेकेंड है फाइव परसेंट थर्ड है सेवन परसेंट एंड फोर्थ है सेवेंटी परसेंट तो करेक्ट आंसर है इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सेवेंटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द मोस्ट स्पीसीज रिच टॉक्सोनिक ग्रुप तो फर्स्ट हमारा इसका ऑप्शन है मोलेस्क सेकेंड है क्रस्टेशर्ड है इकाइनोडर्म्स और फोर्थ है इंसेक्ट तो करेक्ट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर डी इंसेक्ट मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनिक ग्रुप नेक्स्ट है हमारा ऑफ ऑल द प्लांट स्पीसीज रिकॉर्डेड विच क्लास हैज अनीम नंबर ऑफ स्पीसीज तो फर्स्ट का ऑप्शन है एनजियोस्पॉम सेकेंड है फंगई थर्ड है एल्गी फोर्थ है लाइकन तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी लाइकंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओपनिंग ऑन द अपर साइड ऑफ स्पील और ब्लैंक दे रखा है तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्क्यूलम सेकेंड है क्नाइडोब्लास्ट, थर्ड है स्पिक्यूल्स और फोर्थ है ऑस्टिया। तो करेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ऑस्क्यूलम तो ओपनिंग ऑन द अपर साइड ऑफ स्पो सील इज ऑस्क्यूलम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेनोसाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एज तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लैजरेटेड सेल्स सेकेंड है कॉलर सेल्स थर्ड है एमिबॉयड सेल्स एंड फोर्थ है एपिडर्मल सेल तो करेक्ट आंसर जो आपकी इस ब्लैंक में होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कॉलर सेल्स यानी कि क्वेनोसाइट आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग सेपरेट सेक्सेज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज देन ब्लैंक तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है हर्माफ्रोडाइट बी है आपका ओ सी है आपका होमोगैमस एंड फोर्थ है आपका हैट्रोगस तो करेक्ट तो आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हर्माफ्रोडाइट क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग नॉट हैविंग सेपरेट सेक्स ऑर्गेनिज्म कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम इन पॉलीफेरा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड वाटर रिमूवल गैदरिंग ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका ट्रू सेकंड है फॉल्स मतलब पूछा गया आपसे ये स्टेटमेंट सही है या गलत है तो आपको इसमें अच्छे से इसको पढ़ना है कि पॉलिफेरा की जो ट्रांसपोर्टिंग कैनाल सिस्टम होता है वो क्या क्या हेल्प करता है उसकी एक्सचेंज करने में गैसेज को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड को वाटर रिमूवल को गैदरिंग ऑफ फूड को और फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल को तो आपको इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स क्योंकि जो पॉलीफेरा का ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम होता है वो सारी हेल्प करता है उसके एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फूड वाटर रिमूवल सब में हेल्प करता है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल में नहीं करता है तो उसकी इसमें आपको ये इस स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हो गया तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीलेंट ट्रेड्स दैट आर अम्ब्रेला शेप्ड आर कॉल्ड एज देन ब्लैंक तो फर्स्ट ऑप्शन है मेड्यूसा बी है पॉलिप सी है टीनिया एंड डी है यूरिलिया तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए मेड्यूसा सिलेंट्रेट जो हमारे अम्ब्रेला शेप के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं मेड्यूसा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इनमें से किसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेनाटूला बी है आपका फाइसेलिया सी है आपका एडमसिया एंड डी है आपका मियन तो करेक्ट आंसर इसमें आपका है ऑप्शन नंबर सी एडम्सिया इसको हम पोर्टोगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज अ वाइटल रोल इन पॉलिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स इनमें से कौन सा वाइटल रोल प्ले करता है आपके पोलिनेशन में पोल ग्रेन्स के तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है पेटल बी है आपका सेपल, सी है पेडिकल एंड डी है आपका कार्पल तो करेक्ट आंसर में जो आपका है वह है ऑप्शन नंबर डी कार्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट कार्पल यहाँ आपसे इनकरेक्ट पूछा है कार्पल के बारे में तो पहले आपको चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड आउट करना है फर्स्ट है आपका बेसल एंड क्लोज पार्ट ऑफ कार्पल इज कॉल्ड ओवरी नेक्स्ट है आपका बी ऑप्शन ओव्यूल्स आर अटैच टू कुशन लाइक स्ट्रक्चर कॉल प्लेसेंटा सी है आपका स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ कार्पल दैट रिसीव पॉलेंड ग्रेन डी है आपका अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एस्टिवेशन तो करेक्ट जो आपका इसमें मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन है कार्पल के बारे में वो है आपका ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी को मार्क करना है नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर टू ब्लैंक तो फर्स्ट ऑप्शन है हेल्दी बेबी बी है आपका फ्रीक्वेंट कोइटस सी है आपका हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फंक्शन एंड डी है लॉन्गर लाइफ टाइम तो करेक्ट आंसर इसमें आपका है ऑप्शन नंबर सी हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फंक्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर डिलीवरिंग सेक्स एजुकेशन एट स्कूल यानी कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में क्यों डिलीवर करनी चाहिए क्या रीज़न है इसका तो फर्स्ट है डिस्करेजिंग मिथ एंड मिसकनसेप्शन बी है एनकरेजिंग राइज इन पॉपुलेशन सी है आपका सॉल्व द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड डी है प्रमोट मिथ तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए डिसेजिंग मिथ एंड मिसकनसैप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमाइनोसेंटिसिस डील्स विद द पैटर्न ब्लैंक इन द ए अमान्योटिक फ्लूड तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका फिंगर्स बी है आपका डी एन ए सी क्रोमोजोम एंड डी प्रोटीन्स जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका वो है ऑप्शन नंबर सी क्रोमोजोम अमाइनोसेंटिसिस डील करता है विद द पैटर्न ऑफ क्रोमोजोम इन द एमनियोटिक फ्लूड नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेली इज ब्लैंक कंट्रोसेप्टिव कौन सा कंट्रोसेप्टिव आपका सहेली तो फर्स्ट है आपका ओरल बी है आपका ऑप्शन इंट्रविनस सी है टॉपिकल एंड डी है विजाइनल तो जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका वो है ऑप्शन नंबर ए औरल सहेली जो है वह औरल कंट्रोसेप्टिव है नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द अदर टर्म फॉर एम टी पी एम टी पी के लिए अदर टर्म क्या यूज़ किया जाता है तो एम टी पी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसके लिए अदर टर्म क्या यूज़ करेंगे हम तो फर्स्ट ऑप्शन है इंड्यूज अबॉर्शन बी है फोर्स डेथ सी है प्रेगनेंसी इंडियेलाइजेशन एंड डी है अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर है इंड्यूज अबॉर्शन यानी कि हम एम टी पी टर्म यूज़ करें या फिर इंड्यूज अबॉर्शन यूज करें मीनिंग सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वट रिस्ट्रिक्शन हैज बीन पोज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द यूज ऑफ एम टी पी कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं तो फर्स्ट है आपका इलीगल फीमेल फिटिसाइड बी है आपका इलीगल मेल फिटिसाइड सी है आपका इलीगल ड्रग स्मगलिंग और डी है आपका इलीगल यूज ऑफ नारकोटिक्स तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इलीगल फीमेल फिटिसाइड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी आर द एम टी पी सेफेस्ट मतलब प्रेगनेंसी के कौन से पीरियड में आपका एम टी पी सबसे सेफ है तो फर्स्ट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर बी ऑप्शन है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ऑप्शन है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर और फोर्थ ऑप्शन है आपका फोर्थ ट्राइमेस्टर तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका एम टी पी सबसे ज्यादा सेफेस्ट होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आर्ट स्टैंड फॉर यानी कि ए आर टी ये किस पे स्टैंड करती है तो फर्स्ट है आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज बी है आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स सी है आपका असिस्टेड रेस्पिरेटरी टेक्नोलॉजीज एंड डी है आपका असिस्टेड रेस्पिरेटरी टेक्निक्स तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको वन टू ट्वेंटी टू अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपका भले ही वो एग्ज़ाम उत्तराखंड का हो या फिर अदर स्टेट्स का हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए नोट डाउन कर लीजिए और एक भी क्वेश्चन को इनमें से नहीं छोड़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेलाइन को प्रेस कर लेना क्योंकि फ्यूचर में सब बहुत सारा कॉन्टेंट डेली आपको मिलेगा जो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक करने में दो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कर देना थैंक्स एंड हैव नाइस डे